आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं फार्मासिस्ट। इसके अलावा हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या बिना हॉस्पिटल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इन सभी बातों पर आज का ये वीडियो है। सबसे पहले जानते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1948 में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 महीने की, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है आपको। आपको ये फॉर्मेट जो है PCI के वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि फार्मेसी एक्ट जिसमें सेक्शन 21 के अंतर्गत आपको क्या क्या काम करने हैं, और जिसमें उसके 21 सेक्शन में चौथे नंबर भाग में ये बताया गया है कि आपको 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग जिसमें 500 घंटे होने चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारा डाउट होता है कि क्या संडे काउंट होगा या हॉलीडे काउंट होगा 3 महीने में। तो आपके 3 महीने वर्किंग डे होने चाहिए, यानी कि 3 महीने यानी 90 दिनों का जो कार्यालय में काम हुआ है, हॉस्पिटल में काम हुआ है, उसमें आपको ट्रेनिंग करनी है। तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि अलग अलग जो एक्ट है, जैसे पॉइजन एक्ट है, उसके बाद फार्मेसी एक्ट है, टॉयलेट मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है जिसमें आपने पढ़ा होगा, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, या फार्मास्यूटिकल लॉ एंड इथिक्स फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस में, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाता है शुरू के 10 दिनों में कि ये सारे लॉ हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आपके कामों का विवरण जो है आपको इसी सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है ट्रेनिंग करने के बाद उसमें लिखा हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है, जिसमें आपको फार्मास्यूटिकल एपरेटस यानी कि फार्मास्यूटिक्स के में दवाइयों के बनाने में जो जो एपरेटस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर आपको डिसइंटीग्रेशन मशीन है या फिर मैग्नेटिक स्टीटर मशीन है। इसके अलावा मान लीजिए वहाँ पर कोई ऐसा मशीन है जिससे दवाओं को तोड़ा जाता हो, उसे मिलाया जाता हो, उसे मिक्स किया जाता हो, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाता है कि कौन कौन से एपरेटस हैं जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है दवाओं के डोज तैयार करने के लिए। उसके बाद आपको बताया जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से पढ़ना है, यानी उसकी रीडिंग, उसका ट्रांसलेशन किस तरह से करना है, और साथ ही साथ अगर आपको उसको कॉपी करके कहीं लिखना है तो आप किस तरह से कॉपी करके लिखेंगे रजिस्टर में, और इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन में डोज कैसे चेक करना है, ये आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद आपको सिखाया जाता है कि डिस्पेंस कैसे करना है, यानी कि पहले सिखाया गया कि आपने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीखने आना चाहिए, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़ करके दवा किस तरह से मरीज को देना है। आप सोचते होंगे कि ये आसान सा काम है, सिर्फ काट दिया या फिर सिरप को देख करके दे दिया, वैसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि दवाओं को सही तरीके से पत्ते को काटना है कि उसमें कोई डैमेज ना हो, उसमें एयर ना जा पाए। उसी तरह से आपको जो सीसी में दवाइयाँ हैं या फिर एम्बर ग्लास में है या प्लास्टिक बोतल में है, उसको किस तरह से डिस्पेंस करना है, इसकी जानकारी दी जाती है। उसके अलावा आपको बताया जाता है कि आप जो है स्टोरेज कैसे करेंगे ड्रग का। मान लीजिए कि आपके हॉस्पिटल में किसी एजेंसी ने दवा दी कि ये दवाएं बांटनी है, और आपने उसको ठीक तरह से नहीं रखा, क्योंकि हर दवा हर मौसम के वातावरण के हिसाब से रखा जाता है। किसी दवा को कम टेम्परेचर में रखा जाता है और किसी दवा को रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। तो इन सारी बातों को आपको बताया गया है। कुछ दवाओं को प्लास्टिक बोतल में रखा जाता है, कुछ दवाओं को कांच के बोतल यानी एम्बर ग्लास बोतल में रखा जाता है। तो किस तरह से हम लोग दवा को रखेंगे, दवा के प्रकार अलग अलग है, इसीलिए उनका स्टोरेज भी अलग अलग होता है, तो ये आपको सिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या बिना ये सर्टिफिकेट का आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप डी फार्म स्टूडेंट हैं तो आपको ये 3 महीने के जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है ये होनी चाहिए आपके पास, और इसीलिए ये 3 महीने का जो ट्रेनिंग है आपको बी फार्म कोर्स से अलग करता है, और जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल में वैकेंसी निकलती है वहाँ पर सबसे पहले डी फार्मा वाले को प्राथमिकता दी जाती है, और या तो कहीं कहीं सिर्फ डी फार्मा वाले को ही हॉस्पिटल के काम के पर्पस में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है इसको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से कर सकते हैं। तो आपको जब फार्मेसी काउंसिल के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे रेगुलेशन में जाएंगे, तो वहाँ साफ कर दिया गया है कि आपको जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल रन करवा रहे हैं वहाँ से आपको करनी है, और साथ में आपका जो
मास्टर होगा आपका, जो अप्रेंटिस मास्टर होगा वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। यानी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग 3 महीने की जो होती है जिसमें 500 घंटे लगते हैं, आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो या आपको और कुछ जानना हो इस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।